हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी डिजाइनर यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो है 3D ग्लास लोगो डिजाइन करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो कर लेते हैं पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन और बनाते हैं कूल 3D ग्लास लोगो। तो फ्रेंड्स, सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वाला बैकग्राउंड आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद में जो बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो टाइप करना है, जिसमें इसमें डिजाइनर स्टूडियो टाइप कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही टाइप कर लें। फ्रेंड्स, इसको कर लेते हैं डन और कर लेते हैं ओके। फ्रेंड्स, अपना टेक्स्ट आ चुका है अपने बैकग्राउंड पे। फ्रेंड्स, टेक्स्ट के अंदर देना है फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से फ्रेंड्स फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे फॉन्ट ऑप्शन पे जाते हैं आप, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है माय फॉन्ट में जाके अपना फॉन्ट। फ्रेंड्स, ये वाला फॉन्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपना फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुका है टेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, इसमें आप कलर देना है, तो कलर देने के लिए कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अपना कलर ऑप्शन ओपन होता है, सबसे पहले अपने को इसमें डी को सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन पे जाना है और सिलेक्शन पे जाने के बाद में डी को सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ से डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डी को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर देना है। फ्रेंड्स, इसी तरह अपने को एस को सेलेक्ट करना है। एस को सेलेक्ट करने के बाद में भी कलर देना है। चलिए यहाँ से मैं कलर देता हूँ डी और एस में। कलर देने के बाद में इसको सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टेक्स्ट की साइज को बढ़ा देते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा सेंटर में लाके सेट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें अब देना है स्ट्रोक। तो यहाँ से स्ट्रोक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर अपने को ब्लैक देना है, स्ट्रोक विड्थ लेना है 5। चलिए मैं यहाँ से स्ट्रोक विड्थ 5 ले लेता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रोक देने के बाद में इसमें शेडो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले शेडो ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेडो में इसमें ओपेसिटी अपने को 100 देना है और यहाँ से ब्लर देना है 15। तो इसको सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, अब देना है टेक्स्ट में 3D इफेक्ट। तो यहाँ से 3D टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और इसको ऑन करना है। जैसे आप ऑन करते हो, यहाँ से अपने को डेप्थ देना है 1। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से डेप्थ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 देने के बाद में फ्रेंड्स, इसमें अपने को देना है 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में अपने को एक्स रोटेशन देना है 10। तो यहाँ से 10 कर लेते हैं और वाई रोटेशन अपने को करना है 30। तो यहाँ से 30 सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में अपने को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट की कॉपी बनाना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट की। कॉपी होने के बाद में फ्रेंड्स, इस पर डबल क्लिक करना है, इसका नाम चेंज करना है। तो यहाँ से मिटा के इसमें मैं वी टाइप कर देता हूँ और इसको सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, अब इसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ मैं फॉन्ट पे जाता हूँ, माय फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला फॉन्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ाकर इसको सेंटर में रखते हैं। फ्रेंड्स, अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, कॉपी होने के बाद में इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो चलिए मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला फॉन्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ।
फ्रेंड्स इस वाली स्टाइल को आपको इस टेक्स्ट पे लगाना है। फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद में आपको इसका कलर चेंज करना है, तो कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, इसको अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स अपने लोगो तैयार है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।